स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन का मिल्क शेक, जिसे हम तरबूज का शरबत भी कहते हैं। गर्मियों में ये मिल्क शेक शरीर को काफ़ी ठंडक पहुँचाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो चलिए हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तरबूज का शरबत बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने तरबूज लिया है, दूध है, शक्कर है, ये सब्जा का बीज है और ये रू अफ़ज़ा है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो सब्जा का बीज हमने लिया है इसे हम भिगा देंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब हम तरबूज को कट कर लेंगे। देखिए, मैंने तरबूज को कट कर लिया है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे और इसके सीड्स हम निकाल देंगे। देखिए, मैंने तरबूज को पीसेस में कट कर दिया है और इसके सीड्स को मैंने निकाल दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने 2-4 तरबूज के पीसेस को लिया है फ्रेंड्स, और इसे हम एकदम बारीक बारीक कट कर देंगे। देखिए, मैंने तरबूज को बारीक बारीक कट कर लिया है इस तरह। अब हमने एक मिक्सर का जार ले लिया है। अब हम इसमें ये तरबूज डाल देंगे। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर फ्रेंड्स हम अपने टेस्ट के अनुसार ही लेना है, क्योंकि हम इसमें रू अफ़ज़ा भी डालने वाले हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच रू अफ़ज़ा डाल देंगे। रू अफ़ज़ा डालने से फ्रेंड्स हमारी शरबत का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। अब हमने एक बाउल ले लिया है और अपने शरबत को फ्रेंड्स हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे इसलिए छान रहे हैं ताकि अगर हमारे तरबूज के बीज अगर इसमें आ गए होंगे तो वो निकल जाएंगे। देखिए, हमारे तरबूज के शरबत बनके तैयार हैं और ये कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेते हैं। अब हमने एक ग्लास ले लिया है। 1 चम्मच फ्रेंड्स मैंने रू अफ़ज़ा लिया है। इसे हम ग्लास के साइड में इस तरह से गिरा देंगे। देखिए, इस तरह हमारा ग्लास कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो सब्जा को मैंने भिगाया था वो फूल चुका है। अब हम इसे 2 चम्मच ग्लास में डाल देंगे। अब हम शरबत डाल देंगे। देखिए, अब हम इसमें एक आइस क्यूब डाल देंगे। अब जो तरबूज को हमने बारीक पीसेस में कट किया था इसके ऊपर डाल देंगे। एक बार हम इसे हिला लेंगे। देखिए, हमारे तरबूज के शरबत बनके तैयार हैं। इसी तरह हम दूसरे ग्लास बना लेंगे। देखिए, हमारे टेस्टी एंड हेल्दी तरबूज के शरबत बनके तैयार हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स करके बताना कि आप सबको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।